Uh, only one part of your chapter is left, which is mixed and absolute, uh, absolute cell reference, uh, which is I'm going to discuss right now in this video. Uh, what is the use of mixed and absolute uh, cell reference? See, uh, I'm going to get the total number of. Marks here by pressing the Alt plus okay and pressing the Enter key. This is the total. All I need to do is now get the percentage. How we can get the percentage and what is the use of mixed and absolute cell reference? See, whenever we type here to get the percentage, first thing we have to do is. डिवाइड द टोटल विच इज़ वन फोर्टी फोर द नंबर वन फोर्टी फोर इज अवेलेबल इन एफ फाइव राइट एफ फाइव डिवाइड बाय नंबर दिस राइट नंबर दिस इज़ एफ टेन अब एफ फाइव को जब एफ टेन के साथ हमने डिवाइड कर देना है यू विल गेट योर परसेंटेज दिस इज़ द परसेंटेज साइन ओके हेयर यू कैन सी द फॉर्मूला दिस इज़ द फॉर्मूला बार जो भी आप फार्मूला अप्लाई करते हो यहाँ पर जरूर एक बार दिखता है अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सम का फार्मूला अपने आप शो हो जाएगा अब जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो यूज़ करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है हम एक सेल एड्रेस को फ़िक्स uh, कर सकते हैं जैसे हमने अगर जितने भी यहाँ पे टोटल अवेलेबल हैं उनको डिवाइड करना है परसेंटेज गेन करने के लिए तो ये यही नंबर है ना तो ये नंबर क्या है F10 मतलब इसका जो सैलर ड्रेस वो क्या है एफ़ टेन अब एफ़ टेन फिक्स रहेगा बाकी सारे ये जो रेंज है वो बदलती रहेगी कभी एफ़ फ़ाइव है पहले एफ़ फ़ाइव है एफ सिक्स सेवन एट नाइन ये जो है वो वेरी कर रहे हैं ये कांस्टेंट है मतलब ये चेंज हो रही है ये चेंज नहीं हो रहा अब इसको फिक्स करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करना है डॉलर साइन बाय प्रेसिंग द शिफ्ट एंड डॉलर साइन ऑन बोथ बोथ ऑन बोथ कॉलम लेबल एंड द रो नंबर योर सेल इज़ फिक्स्ड ठीक है हमें दोनों को फिक्स करना है क्योंकि हमारे पास सेल एड्रेस और सेल uh, एड्रेस में दोनों चीज़ें हैं रो uh, नंबर भी और कॉलम लेबल भी तो दोनों को फिक्स करने के लिए हमने क्या कर दिया क्या किया डॉलर साइन जो है वो साइन कर दिया हेयर आई हैव द मल्टीमीडिया कीबोर्ड सो आई कांट यूज एफ फोर की But whenever you use the F4 key while की वाइल सेलेक्टिंग द नंबर ओवर हेयर यू विल ऑटोमेटिकली सी दिस अगर आप यहाँ पे क्लिक करके बाद में F4 की key को कीबोर्ड से प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा डबल बार करोगे तो यहाँ पे मिक्स्ड रेफरेंस आ जाएगी ट्रिपल प्रेस uh, करोगे तो यहाँ पे जो आ, रिलेटिव है वो आ जाएगा रिलेटिव मतलब ये जिसमें डॉलर साइन बिल्कुल नहीं होता ओके क्लियर ना जैसे कि हमने फ़िक्स कर दिया है अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आंसर गेन करना अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे तो आपका आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा चाहे आप करके भी देख सकते हो प्रैक्टिस घर पे। आओ फॉर मिक्सड सेल रेफरेंस आई हैव सेलेक्टेड दिस रेंज एंड नाउ गोइंग टू कॉपी बाई यूजिंग द कंट्रोल एंड सी की नाओ गो बैक ऑन द स्क्रीन क्लिक एन याओ अगेन टाइप द कंट्रोल एंड वी की द रेंज इज़ कॉपिड सी आई हैव कॉपिड द डाटा ओव हेयर नाउ आई एम गोइंग टू गेट द परसेंटेज फॉर ईच सब्जेक्ट अब मैंने क्या करना है कि ईच सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालनी है अगर तो वो कैसे निकलेगी वो कैसे करूँगी मैम जैसे पहले भी मैंने बताया था यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ हिंदी की परसेंटेज निकालती हैं लेट सी सी फाइव इज द address divided by f5 is the total right a in a total right press the enter key you will get your result by pressing on this percentage sign okay again now select the range to the row wise सेलेक्टेड बट द डाटा इज इनकरेक्ट यहाँ पे इसकी इतनी परसेंटेज नहीं आ सकती यहाँ पे भी इन वैलिड आ रहा है द थिंग इज अगर हमने इनको इसके साथ करना था डिवाइड तो उसने वो सैलड रेस पिक ही नहीं किया देखें कैसे देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये देखो डी फाइव डिवाइडेड बाय जी फाइव लेकिन हमने तो डिवाइड करना था टोटल के साथ टोटल हमारा था एफ फाइव में तो यहाँ पे इसलिए ये गलत है तो हमें क्या करना है एफ फाइव को फिक्स करना है उसके लिए मैंने मेथड आपको पहले ही बताया था क्या करना है दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई नाउ सी आई हैव गेट द परसेंटेज सेलेक्टिंग द रेंज using this plus method. Let's see, is it the right C6 divided by F5? But hamare yahan हमारे यहाँ पे तो tha जो था वो tha में था क्योंकि ये जो परसेंटेज हमने निकालनी थी ई सब्जेक्ट की उसकी आगे वाले टोटल से ही निकालनी थी ना राइट right? तो यहाँ पे जो टोटल है वो वन फोर्टी फोर के अकॉर्डिंगली निकला हुआ है परसेंटेज ठीक है हमने निकालनी थी वन फोर्टी थ्री के अकॉर्डिंगली क्योंकि हमने पहले फ़िक्स कर रखा था इसलिए वो रॉन्ग हो गया अब इसको कैसे करेक्ट करना था हमने देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फार्मूला क्लियरली बता रहे हैं हमने यूज़ करना है मिक्स्ड सेल एड्रेस मिक्स सेल एड्रेस को यूज़ करके हम लोग जो है वो परसेंटेज निकालने जा रहे हैं अब ये देखो F F सिक्स के आगे मैंने डॉलर साइन लगा दिया है पहले दो डॉलर साइन थे अब एक ही है जब एक लगाओ वेदर ऑन द कॉलम लेबर और रो नंबर इट मीन्स इट इज़ अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस अगर मिक्स सेल रेफरेंस है तो उसमें सिर्फ एक डॉलर साइन होगा या तो कॉलम लेबल के साथ या रो नंबर के साथ अब मैंने यहाँ पे लगाया है कॉलम लेबल के साथ अब आप पूछोगे कि रो नंबर के साथ क्यों नहीं लगाया द रीज़न इज आई एम गोइंग टू फिक्स द कॉलम लेबल ओनली हमने सिर्फ कॉलम लेबल को फ़िक्स करना है रो नंबर को नहीं रो नंबर वेरी होगी कैसे वेरी होगी देखो एफ़ कॉलम तो रहेगा ही रहेगा लेकिन यहाँ पे वेरी हो रहा है ना ये एफ़ फाइव है ये सिक्स है सेवन है एट है नाइन है ये चेंज हो रहा है ना हमने इसको तो चेंज करना ही है क्योंकि यहाँ पे टोटल सबका अलग अलग है सबके अलग अलग टोटल के साथ हम लग करेंगे अब किसी के एट्टी मार्क्स आएंगे तो मैं उसके एट्टी के अकॉर्डिंगली परसेंटेज निकालूंगी जिसके हंड्रेड है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी निकालूंगी जिसके मार्क्स जितने हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज निकलेगी तो यहाँ पर भी वही मैथड है इसके मार्क्स वन थे तो पहले वन मेथड यूज़ हुआ था इसलिए इसकी परसेंटेज भी गलत निकली थी अब मैंने सिर्फ क्या किया है कि रो नंबर uh, को फिक्स नहीं किया किसको फिक्स किया है कॉलम लेबल को कॉलम लेबल को फ़िक्स कर दिया तो उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो देखो आप दिस इज़ द रिज़ल्ट अलियर दिस रिज़ल्ट इज डिफरेंट अब मैं जब रेंज सेलेक्ट कर लूँगी ये सारी की सारी तो आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा नाउ यू हैव टू यूज़ दिस मेथड बाय योरसेल्फ एंड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस Because this is a difficult uh, topic to get the knowledge. So please do the practice again and again. And thank you.